काले तितर वीरान विच जंगलां दे करदे तीर तीर तेरी सुभान। मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग फ्रॉम कोटली सतियाँ। यहाँ तक मैंने खुद ही रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि पीछे पूरा शहर ही था, कुछ दिखाने वाला था नहीं। मेन रास्ता जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो कोटली सतियाँ ये एक न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और TDCP यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है क्योंकि ये वाकई बहुत ही खूबसूरत जगह है। आज मैं जहाँ जा रहा हूँ ये जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर एक फायर वॉच टावर है जिसकी डिटेल मैं आपको वहीं जाके बताऊंगा। डीप फॉरेस्ट में बना हुआ है और वहाँ ऊपर जाकर व्यू जो है वो देखने वाला है। अच्छा, वो जगह तो खूबसूरत है ही, वहाँ जाने का जो रास्ता है ना वो भी देखने वाला है। तो आज हम जाएंगे वहाँ और वो चल के देखते हैं। यहाँ मैं जैसा आपको बताने के लिए रुका था कि ये कोटली सतियाँ हैं, हम इस तरफ से नहीं, हम जाएँगे इस तरफ से। तो आज यहीं चलते हैं। पीछे मैं जहाँ रुका था वहाँ से कोई 10 किलोमीटर में अंदर आ चुका हूँ। रोड की कंडीशन आपके सामने है, कंस्ट्रक्शन चल रही है लेकिन अभी सब ग्रेवल है। मैं मैक्सिमम 30 से 35 की स्पीड में ही आ रहा हूँ और इस टाइम मैं जा रुका हूँ यहाँ पीछे सामने एक डैम है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस डैम का नाम क्या है वो मुझे नहीं पता, आप में से किसी को पता हो तो कॉमेंट्स में बताइएगा। तो मैं वहाँ से थोड़ा सा ही आगे आया हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है सिमली डैम है ये। पीछे जहाँ हम रुके थे वहाँ से डैम काफ़ी दूर से नज़र आ रहा था, अभी इस पॉइंट पर आकर बिल्कुल क्लियर व्यू है। तो यहाँ से आपको दिखाते हैं और इस डैम का नाम है सिमली डैम। ये रोड तो मुझे पीर चिनासी याद दिला रहा है, तो उसका रोड भी स्टार्टिंग में इसी तरह का था। मेरा प्लान है कि स्नोफॉल में एक चक्कर लगाएंगे पीर चिनासी का। यार वाकई सही मज़े का रोड स्टार्ट हुआ है। और दो तीन चीज़ें एक साथ ही स्टार्ट हुई हैं ना, रोड भी अच्छा स्टार्ट हो गया, व्यूज अच्छे आना स्टार्ट हो गए हैं और टेम्परेचर भी डाउन हो गया है, तो इसलिए अब मज़ा आ रहा है। मज़े हैं भाई। सिमली डैम व्यू पॉइंट करोड़, कितने व्यू पॉइंट हैं यार सिमली डैम के। बस अब मजीद नहीं रुकते, आगे चलते हैं। पत्रियाठा 23 किलोमीटर। यार ये कौन सा पत्रियाठा है, एक पत्रियाठा तो मरी वाला है, ये कोई दूसरा पत्रियाठा होगा। आगे रोड का इंतजार था मुझे। जंगल कैंपिंग
यहाँ कभी दोस्तों के साथ आए और यहाँ पर कैंपिंग करें, तेरी बारबेक्यू करें, रोड चेक करें यार, क्या खूबसूरत रोड है ना। तो रोड का सीन ये है कि स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर का पैच ख़राब था, फिर उसके बाद आई थिंक कोई 12-15 किलोमीटर बहुत ही कमाल का रोड है, और अब फिर जो है फिर यहाँ पर रोड ख़राब है। कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत जल्द पूरा पैच ही बहुत ज़बरदस्त होगा, लेकिन फ़िलहाल जो है वो ये कंडीशन है। क्या सिर्फ दाल और सब्जी है? इस टाइम मैं मौजूद हूँ जंगल होटल करोड़, जगह की मैंने काफ़ी तारीफ सुनी थी, जगह बहुत ही आला है। बस ये है कि खाने पीने की यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर दाल थी और सब्ज़ी थी। सब्ज़ी वैसे मैं बाहर की बहुत कम ही खाता हूँ, तो इसलिए मैंने दाल मंगवाई है। पहले मैं यही सोच रहा था कि ऊपर जाते हैं, वापसी पर यहाँ रुकेंगे, लेकिन यार सुबह से नाश्ता किया हुआ था बस, तो इसीलिए पहले मैं यहाँ रुक गया। लंच कर लेते हैं, फिर आराम से ऊपर जाकर टाइम स्पेंड करेंगे। लोकेशन जब इस तरह की हो ना तो दाल भी मज़ा देती है, बस जगह जैसी होनी चाहिए। अच्छे भी मैंने पढ़ा था और यहाँ पर भी लिखा हुआ है पत्रियाटा, मुझे लगा था शायद ये कोई और पत्रियाटा होगा, लेकिन अभी मैंने इनसे पूछा, वो कह रहे हैं नहीं, ये आप मरी की तरफ जो जाते हैं रास्ते में जो आते हैं वही पत्रियाटा है, और इसका रास्ता यहाँ से भी आता है, यहाँ से कोई 22-23 किलोमीटर है। उधर राइट साइड से रास्ता जाता है सीधा जो इस्लामाबाद मोटर वे को टच करता है जी, पहुँचू सुबह में ये रोड जाती है। अच्छा जी, तो यहाँ से उसका डिस्टेंस कितना फासला है? ये तकरीबन 26 किलोमीटर। 26 किलोमीटर जी। और एक चीज़ और, इन्होंने कहा है कि ये जंगल के बारे में एक शेर सुनाएंगे, तो मैं भी सुनता हूँ और आपको भी सुनवाता हूँ। लिख लिख कलम भी थक गई है, कर सकी ना तेरी बयान कुदरत, ए तारीफ तू अपनी आप जाने, किवें चलदा है निजामे जहान कुदरत, उथे अकोले इंसानी दा दखल नहीं है, वा सुबहान अल्लाह तेरी शान कुदरत, काले ती तुर वीरान विच जंगलों दे, कर दे तीर तीर तेरी सुबहान कुदरत। हो गए जी, लाफिस। तो ये भाई मुझे मिले हैं, मैं अभी यहाँ पर रुका हुआ था अपना थंबनेल लेने के लिए, क्योंकि ये लोकेशन मुझे बहुत ही आला लग रही थी। और एक जो बाइकर हो वो एक बाइकर से तो लाजमी मिलते हैं, होंडा 150 है इनके पास, तो अभी इनसे बातचीत हो रही थी तो ये बता रहे थे कि ऊपर टावर है, फायर वॉल टावर, तो वो बहुत ज़बरदस्त जगह है, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं वहीं जा रहा हूँ। तो आप इधर ही रहते हैं? जी जी, मैं इधर ही रहता हूँ। ठीक, सही। तो मैं तो इस्लामाबाद से स्पेशल ना वही फायर वॉल टावर देखने ही आया हूँ। बहुत ज़बरदस्त जगह है। जी जी, बड़ी यहाँ से आई थिंक करीब ही होगा। जी जी, करीब ही है, थोड़ा करीब। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ओके।
अगर आप गाड़ी में आते हैं तो गाड़ी तो नीचे पार्क करनी होती है, लेकिन हम हैं बाइक पर और पता नहीं कौन कौन से रास्तों से होता हुआ मैं ऊपर ही बाइक ले आया हूँ। वो रहा सामने, ले चलते हैं जहाँ तक बाइक जाती है, वहाँ फिर पार्क करके चलते हैं। वैसे मैं जिस रास्ते से लेके जा रहा हूँ ना, अगर पंक्चर हो गई ना यहाँ, वैसे हैं तो ट्यूबलेस टायर लेकिन फिर भी पंक्चर हो सकती है। तो यहाँ करते हैं हम बाइक पार्क और यहाँ से थोड़ी सी हाइकिंग है। ये है जी पीछे इरियारी फायर वॉच टावर। अब यहाँ से थोड़ी सी हाइकिंग है, हाइकिंग करके ऊपर चलते हैं, टॉप पर पहुंचकर वहां से आपको व्यू दिखाते हैं। फायर वॉच टावर के टॉप पर मौजूद हूँ। ये जो टावर है ये 1964 में बना था। एक्चुअली उस टाइम पर यह था कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस तो थी नहीं, तो इस तरह के टावर बनाए जाते थे ताकि जंगल में कहीं भी आग लगती है तो इस टावर पर आकर देखा जाता था, ताकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो आइडेंटिफाई की जा सके। तो ये वाला टावर जो है 1964 में बनाया गया था। वैसे दुनिया का पहला जो फायर वॉच टावर है वो आई थिंक 1910 में बना था। वो भी सीन ऐसा है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इन टावर्स की अब ज़रूरत नहीं है। तो अब इस तरह के जितने भी टावर्स हैं वो एज ए टूरिस्ट स्पॉट जो है वो यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि ये है। तो ये हैं जी यहाँ पर टावर के अंदर के कुछ सीन्स। आई थिंक उस टाइम यहाँ पर जिसकी ड्यूटी होती होगी वो शायद नाइट स्टे भी इधर ही करता होगा। तो आज हम भी नाइट स्टे इधर ही करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर नाइट कैसी गुजरती है। कर ही ना ले हम यहाँ नाइट स्टे, बस अभी 5-10 मिनट यहाँ रिलैक्स करते हैं, क्योंकि नीचे भी हाइक थी और ऊपर आकर टावर की हाइट जो है ये भी अच्छी खासी थी। तो बस 5-10 मिनट यहाँ रेस्ट करते हैं और फिर वापस निकलते हैं, क्योंकि आधे घंटे में मगरिब होने वाली है। तो बस 5-10 मिनट में निकलते हैं यहाँ से। इस वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।